तो हरियाणा में जनता कर्फ्यू का असर देखने को मिला। सूबे के ज्यादातर इलाके सुनसान पड़े हैं, चाहे सड़कें हो, मॉल्स हो या फिर पार्क ही क्यों ना हो, सभी जगह चहलकदमी कम दिखाई दे रही है। तो ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, चहलकदमी कम दिखाई दे रही है। हरियाणा में जनता कर्फ्यू का असर साफ साफ देखा जा सकता है। पूरे देश की अगर हम बात करें तो पूरे देश में भी चहलकदमी कम हो गई है। ट्रेनों को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है 31 मार्च तक के लिए, और जगह जगह कर्फ्यू जो है एक दिन का था, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। ये भिवानी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जनता कर्फ्यू का असर साफ देखने को मिला। अलग अलग जगह की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फरीदाबाद की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर जनता कर्फ्यू का असर देखने को मिला। जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो चालू रहेंगी, लेकिन इसके अलावा अगर बाकी लोगों की बात की जाए तो सभी ने अपने आप को घर में कैद कर रखा है। तो जनता कर्फ्यू का असर पूरे देश में अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं फरीदाबाद की, जहां पर जनता कर्फ्यू का असर देखने को मिला। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात रही, और जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो फिलहाल चालू हैं। तो अलग अलग जगहों की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जींद की तस्वीर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर जनता कर्फ्यू का असर जो है वो देखा जा सकता है। दुकानें बंद रही, लोग घरों पर ही अपने मौजूद हैं, चहलकदमी कम दिखाई दी सड़कों पर, इमरजेंसी सेवाएं जो हैं वो फिलहाल चालू कर दी गई हैं। मेवात की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, तो हरियाणा के अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेवात की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर चहलकदमी देखने को नहीं मिली, सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और इमरजेंसी सेवाएं यहां पर भी चालू है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के अलग अलग जगहों की। मेवात की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कुरुक्षेत्र की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, हालांकि ट्रेनों के पहिए थम गए हैं और कहीं ना कहीं अब जो ट्रेन सेवाएं जो थी वो 31 मार्च तक के लिए फिलहाल रोक दी गई हैं। और कुरुक्षेत्र की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है फिलहाल, 31 मार्च तक के लिए कैंसिल कर दी गई हैं सारी ट्रेनें, और असर साफ साफ देखने को मिल रहा है सभी जगहों पर। कुरुक्षेत्र की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, हालांकि रेलवे का ये बड़ा फैसला है, 31 मार्च तक सभी यात्री ट्रेन जो है वो कैंसिल कर दी गई है। तो जनता कर्फ्यू और इसका असर साफ देखा जा सकता है। अगली तस्वीर हम आपको महेंद्रगढ़ की दिखा रहे हैं, जहां पर भी असर देखने को मिला जनता कर्फ्यू का, और लोग घर पर ही कैद हैं, सड़कों पर सन्नाटा है, दुकानें सभी बंद हैं। एक तरह से देखा जाए तो जनता कर्फ्यू कहीं ना कहीं सफल साबित हो रहा है। और अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नानौंद की, जहां पर भी जनता कर्फ्यू का असर देखने को मिला। हालांकि सारी ट्रेनें जो है रद्द कर दी गई हैं, और कई सेवाओं रेलवे ने कई सेवाओं में अपनी कटौती पहले ही कर दी थी, लेकिन अब जो है सारी ट्रेनें 31 मार्च तक के लिए कैंसिल कर दी गई है। कोरोना वायरस को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। जिस तरह से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, 341 अब मरीज सामने आ गए हैं पूरे देश की हम बात कर रहे हैं, ऐसे में रेलवे के नए आदेश के अनुसार 22 मार्च की आधी रात से 31 मार्च की आधी रात तक केवल मालगाड़ियां ही चलेगी, यात्री रेल नहीं चलेंगी। पलवल की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जनता कर्फ्यू का असर साफ देखा जा सकता है। सारी दुकानें बंद हैं और इसके साथ ही सड़कों पर सन्नाटा है, इमरजेंसी सेवाएं जो है चालू है। 31 मार्च तक ये असर ऐसा ही देखने को मिलेगा। चंडीगढ़ को भी लॉकडाउन कर दिया गया है। हरियाणा की ये तस्वीरें हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं।